की मेजर एक्सिस ले रहा हूँ 120 मिलीमीटर। और भाई नाम क्यों नहीं देते आप लोग, नाम देते जाओ ना, मैं कैसे पुकारूं पॉइंट्स को, ए बी 120 ले ली यहाँ तक ठीक है। अच्छा उसके बाद ए बी के केंद्र से उसमें लंब डालते हुए सी डी बनाना है, जहां मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं ओ। फिर एक बार बोलता हूँ, ए बी 120 मेजर एक्सिस लिया और उसको लंब सी डी हमने डाला तो केंद्र से कितना 60 मिलीमीटर यानी 30 मिलीमीटर ऊपर 30 मिलीमीटर नीचे, ठीक है यहाँ तक बन गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा ओ ए से ये ओ से एक अंतर लीजिए, ओ ए डिस्टेंस केंद्र ओ रहेगा, ए से हम एक चाप मारे इस पर सी डी पर, ठीक जहां वो चाप मिल रहा है उसे हम नाम देंगे ई। किसी ने पूछा था क्या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं क्या, यस नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं जस्ट एक सीक्वेंस में जा रहा हूँ, ए बी सी डी के बाद ई आता है, कोई सीक्वेंस में जा रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं। उसके बाद ए सी जोड़ेंगे, अब सी पर केंद्र होगा, बिंदु होगा इसका, और सी की अंतर लेकर के ए सी पर एक चाप मारें, जो ए सी पर एक बिंदु पर छेद यहां तक बना लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी का बन गया, किसका नहीं बना, यहाँ तक किसका नहीं बना वो बना लीजिए यहाँ पर। फिर एक बार मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, हमने ओ ए अंतर लिया, ओ से एक चाप सी डी को काटा ई पर और ए सी को जोड़ा, फिर सी और ई अंतर लेकर के सी से ई तक अंतर लेकर के सी से चाप मारा जो ए सी पर एफ बिंदु पर छेदता है, यहाँ तक ठीक है। यस सर, यहाँ तक किस किस का हो गया, सबका हो गया, कोई बचा है नहीं पक्का। अब ये इसको दुभागना है, दुभागने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी अंतर है लिया गया हमें उस अंदाजन आधे से ज्यादा ले सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, मगर डिपेंड करता है कि आपके पास कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है। तो मैं कोई एक डिस्टेंस लेता हूँ और एक चाप मारता हूँ, ऐसे एक चाप ऐसे फिर ऐसे ऐसे चाप, हाँ जी भैया डिवाइड कर रहे हैं या फिर ए एफ को डिवाइड,
तो मिल गया यहाँ पर देखिए यहाँ इंटरसेक्शन मिल गया, ये कटान बिंदु जो जो चाप के मिल गया उसको हम जोड़ेंगे, जो कि ए बी और सी डी दोनों को छेद कर जाएगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा। तो जहां ए बी को इंटरसेक्ट किया उसे हम कहते हैं सेंटर वन, और सी डी को जहां इंटरसेक्ट हो गया वो टू सेंटर टू। यहां तक कर लीजिए यहाँ पर अंतर लेकर के, कोई भी अंतर लिए किंतु एक के अंदाजन आधे से ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद कितना भी बढ़ा लीजिए डिपेंड करता है, लेकिन आधे से कम होगा ना चाप मिलेगा नहीं। आधे से ज्यादा इसलिए कहते हैं क्योंकि चाप दोनों मिलने चाहिए, आधे से ज्यादा अंतर लिया इधर एक चाप मारा इधर एक चाप एक बिंदु है, फिर दूसरे बिंदु से इधर एक चाप इधर एक। अब क्या करेंगे हम, क्या तो जो सेंटर है ना ट्रांसफर करेंगे, मिल गया ना काम, मुझे ओ से एक का अंतर लेंगे, ओ से एक जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस लेकर के उधर एक चाप मार, ये एक हो गया दो हो गया क्या होगा तीन हो गया, तीन तीसरा सेंटर मिल गया, तीसरा सेंटर हमें मिल गया। ठीक है, उसी तरह ओ से दो, ओ से दो की दूरी देखिए, यस, उसको इधर ट्रांसफर करेंगे कहीं ई के ऊपर, फोर्थ सेंटर, ओ से दो की दूरी ओ से इधर ई के ऊपर ट्रांसफर करेंगे, वो क्या पॉइंट मिला हमें, फोर्थ सेंटर, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ सेंटर मिला। यहाँ तक ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, चार एक चार तीन दो तीन जुड़ेंगे, चार से तीन कुछ इस तरह जोड़े, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए ऐसे, इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि जो आने वाला आर है ना उसकी मर्यादा तय करेगा ये आर, चार से एक एक आर मेरे पास ऑलरेडी तैयार है उधर, क्योंकि विभाजक के रूप में मिला ये, फिर एक और इधर चाहिए तो मुझे दो और तीन को जोड़ना पड़ेगा, ये मैंने क्यों एक्सप्लेन किया पता है, क्योंकि जो छोटा आर का आएगा उसकी वो सीमा तय करेगा, यही तक आना चाहिए, हाँ उसके बाहर नहीं जाना, वरना कर्व बिगड़ जाएगा, जो मिलेंगे ना छोटा कर्व बड़ा कर्व वो ठीक से नहीं मिलेगा। यहाँ तक ठीक है, इतना बच्चे सर आपका Thank you.
नगर बनाई थी, सबसे पहला केंद्र एक, अंतर एक से एक, और चाप इस तरह होगा यहाँ से यहाँ तक ही रखेंगे। आपने थोड़ा आगे बढ़ाया था, इधर मिले नहीं था ना आपका फिर ये तीन पर रखेंगे, डिस्टेंस हो ही रहेगा जिनमें से जाएगा। सबको मिला